दोस्तों, अगर आप भी अपने घर पे काफ़ी समय से अदरक उगाने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी जो है बिल्कुल सही समय चल रहा है। अभी के टाइम पे आप अदरक को उगा सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे अदरक उगाने के लिए किस तरह के हमें मिट्टी चाहिए, किस तरह का पॉट चाहिए, क्या केयर करनी होती है और किस तरह से हमें उसे लगाना है और कब उसे हार्वेस्ट करना है। तो दोस्तों, अदरक ग्रो करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए अदरक के कंद, यानी कि अदरक। तो हमें थोड़ी सी पुरानी अदरक लेनी है, यानी कि नई ग्रो हुई अदरक नहीं लेनी है, थोड़ी ओल्ड वाली अदरक लेनी है। अक्सर आपने देखा होगा कि अदरक में इस तरह से छोटे छोटे से न्यू शूट निकलने लगते हैं, ये आई कहलाते हैं। यानी अदरक इस तरह की है तो हम उसे बुआई के लिए इस्तेमाल करते हैं, इससे बुआई में रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। अदरक की जो बुआई है, यानी कि खेतों में तो अदरक को डायरेक्ट ही ग्रो किया जाता है, लेकिन अगर हम घर में कंटेनर में अदरक को ग्रो कर रहे हैं तो बेटर होता है कि हम अदरक को पहले स्प्राउट कर लें, उसके बाद हम अदरक को बड़े पॉट में शिफ्ट करें। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगी कि अदरक को पहले स्प्राउट कैसे करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे एक छोटे पॉट में मिट्टी भर लेंगे। मिट्टी हमें पोरस लेनी है, थोड़ी भुरभुरी सैंडी मिट्टी हमें लेनी होती है। ये टेम्परेरी अभी पॉट हमने रेडी किया है, बाद में हमें इसे बड़े पॉट में शिफ्ट करना है। तो अभी जो हम मिट्टी बनाते हैं वो ऐसी बनाते हैं जिसमें पानी बिल्कुल ना रुके। इस तरह से जो अदरक का आई साइड है उसको ऊपर की तरफ रखते हुए पॉट में हमें अदरक बिछा देनी है और ऊपर से हमें इसे मिट्टी से ढक देना है। अदरक का आई साइड अगर ऊपर से दिख भी रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है। तो इस तरह से अदरक हमें पॉट में लगा के और उसे अच्छे से पानी दे देना है। एक बार अच्छे से पानी देने के बाद हमें ध्यान देना है कि दोबारा पानी तब देना है जब मिट्टी 80% तक ड्राई हो जाए। ज़्यादा पानी होने की वजह से अदरक गल जाएगी और फिर वो स्प्राउट नहीं हो पाएगी। इस पॉट को हमें रख देना है सेमी शेड में, जहाँ पे एक या दो घंटे की धूप आती हो। ये देखिए, ये अदरक मैंने इसी तरीके से स्प्राउट की हुई है। 15 से 20 दिन के अंदर आपको इस तरह के स्प्राउट दिखने लगेंगे और अदरक ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी। इस स्टेज पे हमें अदरक को एक बड़े पॉट में शिफ्ट करना होता है जिसमें वो आगे के लिए ग्रो होगी। अदरक की फसल 6 से 8 महीने की होती है। 6 से 8 महीने के बाद ये रेडी होना स्टार्ट हो जाती है और विंटर के समय यानी फरवरी के समय में हम इसकी हार्वेस्ट ले सकते हैं। तो चलिए अब इसे लगा लेते हैं हम एक बड़े पॉट में। तो कैसी मिट्टी हमें बनानी है वो भी देख लेते हैं। अदरक के लिए हमें ज़्यादा ऊंचाई वाले पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह के रिक्टेंगल ग्रो बैग में भी हम अदरक को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि अदरक वर्टिकली नहीं हॉरिजेंटली ग्रो होती है। तो पॉट आप इस तरह से ले सकते हैं। बात करें मिट्टी की, तो ऐसे तो आप किसी भी मिट्टी में लगाओगे तो अदरक ग्रो हो जाएगी, लेकिन एक अच्छी हार्वेस्ट नहीं मिल पाएगी। अच्छी हार्वेस्ट के लिए ज़रूरी है कि मिट्टी एकदम भुरभुरी होनी चाहिए, जैसी आप मेरे हाथ में देख रहे हो। मिट्टी जितनी सॉफ्ट होगी, जितनी रिच होगी, अदरक की हार्वेस्टिंग उतनी अच्छी होगी। उतने अच्छे से उसके राइजोम्स मिट्टी में फैलेंगे और वो उतनी ज़्यादा ग्रो होगी। तो मिट्टी का ध्यान रखना है कि मिट्टी हमें अच्छी भुरभुरी बनानी है। अगर आप पहली बार मिट्टी बना रहे हैं तो 50% तक मिट्टी ले लें, आप उसे छान लें ताकि मिट्टी थोड़ी बारीक हो जाए। मिट्टी में 40% तक आप वर्मी कंपोस्ट या कोई और दूसरी कंपोस्ट जो आपको अवेलेबल हो जाती है उसे अच्छे से मिक्स कर लें। 10 से 20% तक आप इसमें नीम खली और बोननी ऐड कर दें तो ये एक कंप्लीट मिट्टी रिच सॉइल बन जाएगी अदरक के लिए। मिट्टी को पॉट में अच्छे से भर लें। उसके बाद हमने जो स्प्राउट की थी अदरक, उसको 2-2 इंच तक की गहराई में लगा लें। थोड़े थोड़े गैप में हम अदरक को पूरे पॉट में बिछा लें और फिर पानी दे दें अच्छे से। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अदरक की फसल 6 से 8 महीने की होती है। 2-2 महीने के गैप में हम अदरक में फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे। तो जब मैं इनमें अदरक में फर्टिलाइज़र ऐड करूँगी तब मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। फर्टिलाइज़र में हम वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद को देते हैं। तो ये था सारा प्रोसेस जिस तरीके से हमें अदरक ग्रो करनी होती है।
वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखेंगे ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।